जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITOP कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का ट्रेड टेस्ट कैसा होता है और आपको कौन कौन सा गाड़ी मिलता है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बताया था कि आपका ट्रेड टेस्ट में तीन गाड़ी आपको चलाने का मौका मिलता है, जिसमें टाटा का एस मॉडल जो कि हेवी व्हीकल में आता है और मीडियम व्हीकल में आपका टाटा 407, इसके बाद आपका लाइट व्हीकल में जिप्सी मॉडल का जो गाड़ी होता है मारुति का, वो आपको चलाने का मौका मिलता है। तो मैंने आपको टाटा जो एस मॉडल गाड़ी होता है उसका गियर शिफ्टिंग कैसे होता है वो बताया था और आपको मैंने इसके बाद वादा किया था कि आपको जिप्सी का भी गियर शिफ्टिंग कैसा होता है और किस तरह से आप ट्रेड टेस्ट में जिप्सी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जिप्सी का गियर शिफ्टिंग का पूरा जानकारी मिलने वाला है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा काफ़ी दिनों के बाद आई है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपका जिप्सी के बारे में जो भी डाउट था वो कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जिप्सी इसलिए भी ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको टाटा का जो एस मॉडल गाड़ी है और 407 ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जिप्सी का जो गाड़ी होता है, जिप्सी गाड़ी, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको गियर शिफ्टिंग किस तरह से होता है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बैठेंगे गाड़ी में। तो आप जब भी गाड़ी जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए चुनोगे तो मेरी पर्सनली यही राय रहती है कि आप छोटा गाड़ी चुनिए क्योंकि छोटा गाड़ी चलाने में इजी होता है और गलती की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है। तो चलिए गियर शिफ्टिंग की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। तो ये आपका जो जिप्सी का जो गियर होता है दोस्तों, वो इस तरह से होता है जिसमें आपको एक 4x4 का यहाँ पर एक छोटा सा ये मिलेगा जिसमें 4x4 का ये गियर होता है। ये तभी ज़रूरत पड़ता है जब आपको 4x4 लगाना होगा और बाकी इस तरह से इसका गियर होता है जिसमें आपका लिखा होगा जो गियर शिफ्टिंग है। तो सबसे पहले आपको गियर शिफ्टिंग का बता देता हूँ कि इसका गियर शिफ्टिंग एक स्विफ्ट डिज़ायर जो गाड़ी होता है उसी तरह से होता है, कोई हार्ड नहीं होता है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट गियर है दोस्तों वो सामने की तरफ है, जैसे इसका फर्स्ट गियर लग चुका है। इसके बाद आपको इसी के सीध में थोड़ा सा नीचे डायरेक्ट सीध में एक आपका दूसरा गियर ये डल जाएगा। दूसरा गियर डलने के बाद आपका हल्का सा इसको आगे करके इसी के सीध सामने आपका तीसरा गियर आपका डल चुका है और तीसरे गियर के बाद आपका इसी के सीध में आप सीधा चौथा गियर डाल दीजिएगा और चौथा गियर पड़ने के बाद आपका थोड़ा सा आगे लेकर थोड़ा सा राइट लेके हल्का सा ऊपर आपका पांचवा गियर डल जाएगा। तो ये आपके पांचों गियर पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आपको छोटा सा हल्का अगर पीछे न्यूट्रल कर दोगे भी उसके बाद और रिवर्स गियर इसका दोस्तों हल्का सा राइट लेके पीछे की तरफ दबाओगे तो आपका रिवर्स गियर इसमें डल जाएगा। तो ये आपका जो गियर शिफ्टिंग था वो आपका जिप्सी का, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी होता है उसी तरह से इसका गियर शिफ्टिंग होता है। बस इसमें 4x4 जो गियर है, 4x4 गियर इसमें अलग दिया है। बाकी आपको इसमें सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट होता है वो इस चीज़ का है कि आप पीछे की साइड जब रिवर्स लोगे ट्रेड टेस्ट में तो यहाँ पर एक मिरर आप देख रहे होंगे, इस मिरर में आप पीछे की साइड लगाकर इसको सेट कर दोगे तो पीछे आप जो पीछे का जो भी आपका ऑप्टिकल है उसको आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो और आपको पूरा क्लियर यहाँ से देख पा रहे हो, पीछे की साइड आपको पूरा क्लियर यहाँ से दिख रही होगी। तो ये आपको सबसे बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट है जिप्सी चलाने का। बाकी दोनों साइड आपके मिरर लगे हुए, आप जब रिवर्स लोगे तब आपको इस मिरर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और जो आपका राइट साइड का मिरर है वो भी आप जब रिवर्स लोगे तब आपको देखने को इसमें बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। बाकी गाड़ी बहुत ही इजी है, जिप्सी जो ट्रेड टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो पास होते हैं वो जिप्सी मॉडल में ही होते हैं क्योंकि जिप्सी चलाने में इजी होता है और इस मिरर का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। बाकी गियर शिफ्टिंग भी इसका बहुत ही इजी है और गियर कहीं भी मतलब फंसते नहीं है, आराम से आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो। पेट्रोल गाड़ी है इसलिए ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिप्सी को ही पसंद करते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। तो मेरी भी यही राय रहेगी कि आपको भी अगर ट्रेड टेस्ट देना है या जब भी आपका ट्रेड टेस्ट आएगा तो आप जिप्सी को ही सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे तो तीन गाड़ी होता है लेकिन जिप्सी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये जिप्सी का वीडियो था। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये जिप्सी गाड़ी का गियर शिफ्टिंग का जो वीडियो था? कई सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर इसका गियर शिफ्टिंग कैसे होता है क्योंकि जिप्सी गाड़ी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, बाहर कहीं भी आप देखोगे
आपको टाटा केएस मॉडल गाड़ी और 407 आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जिप्सी आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत छोटा गाड़ी है, ट्रेड टेस्ट के लिए बहुत ईजी है, तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए जिप्सी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।